खुली छुट्टी अपने जवानों को दे दो, खुली खुली छुट्टी अपने जवानों को दे दो, खुली मिलेगी खबर फिर ये दो दिन में देखो, मिलेगी खबर फिर ये दो दिन में देखो। क्या खबर मिलेगी? सिर्फ दो दिन की मोहलत चाहिए, फिर देख लेना दो दिन बाद में कि लाहौर भारत का अंग हो गया, कि लाहौर भारत का अंग हो गया, फिर से ये भारत चमन हो गया, हो फिर से ये भारत चमन हो गया। लेकिन मुझे इस बात का दुख लगता है, परसों जब सब लोग टेलीविजन चैनल पे वो चिथड़े चिथड़े होके वो जो क्षत विक्षिप्त वो सब देख रहे थे, सच कहूं ना उस दिन के दृश्य के बाद में अभी भी पानी नहीं भरा, रोटी नहीं भरी, सच में इतना आहत हुआ है पूरा देश। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों की रूह नहीं कांपती, कोई अपने किए से बाज नहीं आता। लगातार चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा शहीदों पे कोई करे ना सियासत, हो शहीदों पे कोई करे ना सियासत, शहीद शहादत से बढ़कर कोई ना इबादत, शहादत से बढ़कर कोई ना इबादत। लेकिन दुर्भाग्य की विडंबना है, क्यों इस भावना का पतन हो गया, क्यों इस भावना का पतन हो गया, तिरंगा तो मानो कफन हो गया। एक बार कौन कौन चाहता है, किन किन के दिल में ये ख्वाहिश है, मैं नहीं कहूंगा कि हाथ उठाओ, मैं नहीं कहूंगा कि तालियां बजाओ, लेकिन जिनके मन में ख्वाहिश है कि तिरंगा हमेशा हमारा लहराता ही दिखे, एक बार इस तिरंगे के नाम, इस देश के, इस स्वाभिमान के नाम, इस मान सम्मान आन मान शान के नाम मिलके बोल दो, न जाने ये कैसा वतन हो गया, तिरंगा तो मानो कफन हो गया, ओ तिरंगा तो मानो कफन हो गया। मैं बस एक ही संदेश, एक ही बात मैं कह के जाना चाहूंगा कि अब कोई सपना ना देखे, ये भूमि बांट ली जाएगी, जो पाकिस्तान पुकारेगी वो जीप काट ली जाएगी, जो भारत को घर समझेंगे उनको कुछ कहना होगा, लेकिन पल भर के लिए भी मुल्ला उमर सहनना होगा। हम बहुत समय से आए हैं ये सहते सहते सहने की, इसलिए जरूरत लगती है मुझको चिल्ला चिल्ला कर कहने की कि जिसको भी मेरे भारत की धरती से प्यार नहीं होगा उसको भारत में रहने का कोई, धरती से कहना, अंबर से कहना, कहना करगिल की घाटी से, गुवाहाटी से, चौपाटी से, कहना दुश्मन की माटी से कि जो मेरा आंगन तोड़ेगी वो बाह तोड़ जी जाएगी, और जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख
जो सीमा पार पड़ोसी है उसको तो क्या समझाना है, वो बंटवारे का रोगी है, उसका ये रोग पुराना है, लेकिन महाभारत काल के इस महान पुरोधक के दरबार में खड़ा होकर, महाभारत काल के उस महान बलिदानी शीश के दानी के दरबार में इस धरा पर खड़ा होकर मैं संपूर्ण देश की ओर से, संपूर्ण श्याम जगत की ओर से, संपूर्ण भारत माता की ओर से कहना चाहूंगा कि भारत में दखल अंदाजी की तो पछताना पड़ जाएगा। फिर यह मत कहना कि हमने मौका नहीं दिया। अरे भारत में दखल अंदाजी की तो पछताना पड़ जाएगा। रावलपिंडी लाहौर कराची तक मेरा भारत ही कहलाएगा, मेरा भारत ही कहलाएगा, मेरा भारत ही कहलाएगा। जयकारा लगा नहीं है, अभी दो मिनट के लिए मौन रखा था ना, दो मिनट का मौन रखा था, कम से कम एक मिनट की जयकार लग सकती है, एक मिनट की जयकार, एक मिनट की जयकार लगा लो। एक बार सांस खींच के मिलके जरा दोनों दोनों हाथ खोल के इस भारत माता के नाम, उन वीर शहीदों के नाम, दोनों हाथ खोल के भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, वीर जवान अमर रहे, वीर जवान, वीर जवान, वीर जवान, वंदे 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 नमः पार्वती पते, हर हर महान। बोलो शीश के दानी, और इसी वक्तव्य के बड़े महारथी मैं समझता हूं, जिनका लोहा सभी मानते हैं। देखिए, परसों जो भी नरसंहार, इतना खतरनाक मंजर, इतना सब कुछ इस देश ने देखा, इस राष्ट्र ने देखा, जो कभी कोई देखना ही नहीं चाहता, इतना जो जितना रोमी भैया ने बता दिया, मैं उसको व्याख्यान ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज एक बात मैं जरूर है कि आज दरबार में जरूर खड़े हूं, अभी भी एक दो जगह हाजिरी जैसे तैसे लगानी थी, बस लग चुकी बाबा के दरबार में। लेकिन वास्तव में परसों से इतना मन विचलित है कि उन दृश्यों को देखकर कुछ कहने का, कुछ गाने का मन ही नहीं कर रहा है। वास्तविकता तो कंडीशन ये है, सच में पूछे तो गाने का मन नहीं कहीं भी, दूर दूर तक जो है एक स्वभाव में नहीं है। लेकिन दरबार में चूंकि आया हूं, मैं बस उनके लिए क्या कह सकता हूं, क्या कर सकता हूं, अपनी वाणी, अपनी आवाज के द्वारा ही, अपने भावों के द्वारा ही, इस रचना के द्वारा ही, श्री श्याम पंचायती विश्राम गृह भवन की ओर से ही नहीं अपितु अखिल अखिल श्याम जगत की ओर से मैं देश के उन वीर पुजारियों को नमन करता हूं। और यह शहादत जो हुई है ना, ये एक बार नहीं हुई, लेकिन इस शहादत में जो है सबसे बड़ी बात यह है, दुख इस बात का है, यह नहीं कि हमारे देश के सैनिक
पहले कभी वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, लेकिन इस बात का दुख कि यदि यही सामना आमने सामने की बात होती तो हमारे गर्व से सीना और ज्यादा चौड़ा हो जाता। लेकिन घात लगाकर जिस तरह से कायरता दिखलाई गई, मैं आज प्रभु के दरबार में बस प्रभु से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, प्रभु आज सारी दुनिया जयकारा लगा रही है, मैं माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा इस दरबार में और सभी जगह भी यही कहा किया है मैंने। आज मैं अपनी ओर से जयकारा नहीं लगाऊंगा, सारी दुनिया बोले ले, आज मैं अपनी ओर से जयकारा नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी हर रजा में राजी है, तुम्हारी हर बात में राजी है, लेकिन परसों से लेके अभी तक मन नहीं मान रहा कि आखिर ये भी तुम्हारी रजा थी, इस बात के लिए मन नहीं मान रहा। ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा और अपनी वाणी को बहुत ही अल्प समय में इस रचना को गाकर उनको लिए समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।